सो गाइज वी हैव गॉट बजाज चेतक जो कि यार बहुत ज़्यादा पुराना है बट ओल्ड इज गोल्ड गाइज। गाइज देख रहे हो भयंकर तगड़े तगड़े मार्केट रिएक्शन मिल रहे हैं। Alright, so good morning everyone. This is Sandesh Rawat back with another video and you're watching Imperial Rider. So guys, आज के vlog का कुछ ऐसा सीन है कि यहाँ पे मैंने अपने पापा जी का स्कूटर निकलवाया है अभी, तो इसकी कंडीशन देख के तो भाई क्या ही बोले, इसे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, इसे चलाया नहीं है और इस स्कूटर को आप यकीन नहीं मानोगे लगभग 20 साल हो चुके हैं और ये पहले तो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। अभी से हल्का फुल्का साफ़ करता हूँ और आगे पे जाके इसे वॉश करूँगा और अभी आज का सीन बहुत तगड़ा होने वाला है क्योंकि अभी इसे राइड वाइड करेंगे, कुछ सिनेमैटिक्स, कुछ इन्फॉर्मेशन और लास्ट में मार्केट रिएक्शन आपके होश उड़ा देगा। तो चलते हैं यार, अभी इसे साफ़ करते हैं और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। A few moments later. तो गाइस ये काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट हो रहा है और अभी देखते हैं कि ये फर्स्ट टाइम में स्टार्ट हो जाएगा या फिर नहीं। तो गाइस ये पहली किक में स्टार्ट हो गया, मेरे को लगा नहीं था कि ये पहली किक में स्टार्ट हो पाएगा बट कसम से ये पहली किक में स्टार्ट हुआ है। वाह भाई, मतलब क्या ही बोले, नेक्स्ट लेवल। सो अभी इसे राइड कर रहे हैं केयरफुली, तो थोड़ा अटपटा सा लग रहा है क्योंकि अब बाइक की आदत हो गई है और सच बताऊँ तो मैं ये स्कूटर बहुत ज़्यादा चलाया हुआ है। पहले मैं इसे बहुत ज़्यादा चलाता था क्योंकि अपने पे बाइक तो थी नहीं और स्कूटर ने बहुत साथ दिया हमारा। तो गाइस ये स्पीडोमीटर ख़राब है, आपको स्पीड शो नहीं हो रही होगी बट इसकी पावर की अगर मैं बात करूँ तो 7.5 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 9.5 mm का टॉर्क, तो खींच के मामले में ओपी है बहुत ज़्यादा। मतलब आप इसमें हैवी से हैवी वेट भी रख लो तो भी एकदम ही चढ़ाई में खींच लेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अभी मेरे को बस ये डर लग रहा है कि यार ये कहीं पे बंद ना हो जाए क्योंकि अगर ये कहीं पे बंद हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। फ्यूल तो इसमें बहुत ज़्यादा है बट अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इससे 20 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन आज की डेट में भी ये इतना मस्त चलता है ना कि क्या ही बताएं। सच में इसकी सर्विसिंग नहीं होती है, बस पड़ा रहता है और जब से बाइक आई है तब से तो ये यूज़ भी नहीं होता है बट स्टिल सच बताऊँ तो ये बहुत मस्त चल रहा है अभी यार सही में। सो गाइस अभी मैं इसको वॉश करने के लिए लेके जा रहा हूँ, यहाँ से 3 किलोमीटर होगा लगभग और वहाँ आपसे मिलते हैं। A few moments later. सो गाइज वी हैव गॉट बजाज चेतक जो कि यार बहुत ज़्यादा पुराना है बट ओल्ड इज़ गोल्ड गाइज। सो ये स्कूटर में पापा जी का है और इसे उन्हें लाए हुए हो चुके हैं 20 ईयर्स कम्प्लीट और अभी 21 ईयर होने वाला है। सो गाइज ये स्कूटर आज मैंने निकाला है काफ़ी टाइम बाद, बहुत टाइम बाद मैंने इसको स्टार्ट किया हुआ है। अभी मैं इसकी वॉशिंग करा के लेके आ गया हूँ खुद से। यार इस गाड़ी को ना बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है तो इस वजह से इसकी प्रॉपर सर्विसिंग नहीं हो पाई है और ये तो अब मार्केट में मिलता भी नहीं है। और बात करें इसके ब्रेक, तो भाई स्कूटर में तो सीन ही होता है, ये जो आपको दिख रहा होगा ये फ्रंट ब्रेक, इसका कोई काम ही नहीं है, ये लगता है नहीं लगता है कुछ समझ नहीं आता। बात करें फुट के ब्रेक की तो ये थोड़ा बहुत काम करता है बट स्टिल दोनों ड्रम वेरियंट है तो रपटने का डर बिल्कुल बना रहता है। और इसे ज़्यादा भगाओगे तो कंट्रोल नहीं होगा क्योंकि ऐसे में यही होता है ना, ये ब्रेक लगता नहीं है, फुट मारोगे टायर स्लिप हो जाएगा, छोटे टायर है, दिक्कत हो सकती है, इसलिए आराम से चलाओ मस्त मौला होके। सो आज पापा जी से हम स्कूटर मांग के फुल मौज कर रहे हैं यहाँ पे।
मौसम बहुत ज़्यादा मस्त हो रखा है और स्कूटर भी बहुत ज़्यादा मस्त है, तो आज लेके आए हैं यार स्कूटर को। तो अब इन्जॉय कीजिए कुछ मस्त से सिनेमैटिक शॉट। देख रहे हो भयंकर यूए उत्तरांचल का टाइम का और 0066 मतलब वीआईपी नंबर, ऐसा कोई सीन नहीं है, ये वीआईपी नंबर नहीं है बट तगड़ा लग रहा है देखने में। भाई साहब क्या ही बचे हैं भाई, पूरा टायर पीछे का स्किड हो गया था, बाल बाल बचा। सो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं मैं घर, रिएक्शन यहां पे ख़त्म होता है, अब कोई भी नहीं है। सो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ कैसी लगी वीडियो और चैनल कर दो प्लीज से सब्सक्राइब गाइस, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।